ये सबसे पहले तो आप सभी लोग इस वाले वीडियो को ही देखिए। देखा, एक तो यार मुझे समझ ही नहीं आता कि आम लोग इन सेलिब्रिटीज को इतना ज्यादा सर पर क्यों चढ़ा कर रखते हैं, इतना ज्यादा भाव बटा देते ही क्यों हैं। आलिया भट्ट की बेटी कार के बाहर झांक रही होती है कि तभी वहां पर कुछ लोग कैमरा लेकर दौड़े दौड़े चले आते हैं फोटोज वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन जिस तरीके का मुंह बनाकर सोनी राजदान के द्वारा कार का शीशा ऊपर चढ़ा दिया जाता है ना, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उस औरत का ये सड़ा हुआ मुंह देखिए। नहीं मतलब ये भांड लोग आज की डेट में कितने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं कि अगर आम जनता इनके पास फोटो और वीडियो लेने के लिए चली भी आती है तो इन लोगों का मुंह ही सड़ जाता है, इनका पूरे तरीके से भाई साहब मूड ही स्पॉइल हो जाता है। सोनी राजदान को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आज अपनी जिस बेटी की कामयाबी पर इतना ज्यादा बोराई हुई रहती है ना, वो कामयाबी भी उसे आम जनता के रहमो करम पर ही मिली है। ये जिस ठरकी बूढ़े से शादी करके आज भाई साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है, उसके ठरकपने को भी सारी दुनिया ने देख रखा है कि कैसे इसने अपनी बड़ी बेटी तक को नहीं छोड़ा। 90 के दशक की प्रवीण बाबी के साथ इस बुड्ढे ने क्या कांड करा उसके बारे में भी आम जनता अभी तक भूली नहीं है। कैसे इसके पति महेश भट्ट को आज सारी दुनिया महेश दल्ले के नाम से पहचानती है, वो भी मैडम को बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब वैसे तो इनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट इंडस्ट्री के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन नहीं पाई, उल्टा भाई साहब अव्वल दर्जे की बेवड़ी बनकर रह गई। कैसे ये 2400 घंटे बिग बॉस में जाकर निकोटीन फ्री च्युइंगम्स मुंह में चबाया करती थी, वो भी हम सभी लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा है। महेश भट्ट का भी बुढ़ापे के कारण भट्टा बैठ चुका था, अब अगर ऐसे में इनकी छोटी बेटी बोले तो आलिया भट्ट की फिल्मों को हिंदुस्तानी जनता सपोर्ट नहीं करती, इनको हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं बनाती, तो फिर मैडम आपका क्या होता। ये जो आप आज की डेट में आम जनता को देखते ही कार का शीशा यूं ऊपर चढ़ा ले रही हो, वो भी ऐसी घटिया 2% की शक्ल बनाकर, तब तो आपको इंसान तो छोड़िए कुत्ता तक भाव नहीं देता। मैंने कई बार अपनी वीडियोस के जरिए बता रखा है कि आप सभी लोग सीधे तौर पर इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल से इन सेलिब्रिटीज को अनफॉलो कर आइए। जब इनको काम मिलना बंद हो जाएगा, जब कॉमन पब्लिक इनको भाव देना बंद कर देगी, तभी जाकर ये भांड लोग पटरी में आएंगे, क्योंकि आम लोगों ने इन भांडों को आज की डेट में जितना ज्यादा अपने सर पर चढ़ा रखा है ना, ये लोग खुद को तो भाई साहब इंसान समझना ही बंद कर चुके हैं। सुपरस्टारी का बुखार इन सभी भांडों के सर पर इस कदर आज की डेट में चढ़ा हुआ है जिसका तो मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। आज जब इस तरह के वीडियोस वायरल होना शुरू हो चुके हैं, तब जाकर भारतीय आम जनता को इन भांडों की असलियत नजर आना शुरू हुई है, मगर पर्दे के पीछे भी जिस तरीके का गंदा और घटिया गुल ये लोग खिलाते हैं ना, उस बारे में भी मैं जरूर वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को बताऊंगा। मगर तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इन बॉलीवुडियाई गटर छापों को फॉलो करना बंद कर दीजिए, आंख मूंद करके इनके पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भांड लोग वो नहीं है जैसे आपको पर्दे पर नजर आते हैं, इनकी सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको किसी को फॉलो ही करना है ना, तो इंडियन आर्मी के जवानों को फॉलो करिए, ओलंपिक चैंपियंस को फॉलो करिए जो मेडल्स जीत करके लगातार देश का नाम सारी दुनिया में रोशन कर आ रहे हैं। इन भांडों को फॉलो करके कुछ नहीं होने वाला।